la tercera parte. ¿Qué tengo? एक मिनट पूरा का कर ला पीस ने ते होर गया थे? नहीं चले पीस को ले पाते तो दो ले होने आ दो फाड़ा फट छोटे ने ऐसे तक बड़ी नहीं ऐसे बड़ी नहीं आहो है कि बड़ी है और अगर कर लेंगे वो आ जाएंगे दाने तेरे यार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रोजे रख रहे होंगे, रोजे आपके अच्छे गुजर रहे होंगे उम्मीद है। तो आज जो है ना, आज मौसम साफ है, कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, तो गंदम हमारी जो है अभी काटने वाली थी, तो आज धूप निकली है तो मशीन भी आई हुई है गंदम काटने वाली। तो हमारा नंबर अभी आया, अभी तकरीबन 3:30 का टाइम है दिन का, तो अभी मशीन आने वाली है। तरपाल हमने डाल ली है जहाँ पे हम दाने रखेंगे डालेंगे, तो मशीन का वेट कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में आधे घंटे तक जो है ना वो मशीन आ जाएगी और इंशाल्लाह शाम तक जो है ना, रात तक 7, 7:30, 8 बजे तक सारी जो गंदम है वो काट ली जाएगी। दोस्तों 2 एकड़ जो है वो गंदम काट ली गई है और मौसम जो है ना फिर खराब होना शुरू हो गया है। बादल जो है ना वो सूरज के आगे आना शुरू हो गए हैं। सूरज तो अभी गुरूब होने में काफी टाइम है लेकिन आगे बादल आ गए हैं,
और नेट पे भी बताया हुआ था कि शाम को 70% जो है वो बारिश के चांस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ये पीछे सारी गंदम है, ये काटने वाली बाकी है, इस खेत में काट रही है मशीन। वो पीछे दो छोटे छोटे खेत थे वहाँ पे काट ली गई। कटाई करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मैं वीडियो नहीं बना सका। अभी सुबह का टाइम है तो ये ऊपर तरपाल दी हुई है, प्लास्टिक दिया हुआ है दानों के ऊपर। ये रात को 12 बजे बारिश आ गई थी, मौसम आपको बताया था मैंने ख़राब हो रहा है, तो बारिश ज़्यादा तो नहीं आई थी लेकिन ज़्यादा आने के चांस थे। फिर 12 बजे उठ के आया मैं, आके इसके ऊपर कपड़े वगैरह दिए, तरपाल दी, प्लास्टिक दिया ताकि दाने ख़राब ना हों। तो फिर उसके बाद मैं घर चला गया, जाके सो गया। अभी मैं फिर आया हूँ घर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बारिश नहीं हुई। और ये मशीन भी रात को यहीं पे खड़ी करके चले गए थे वो लोग, क्योंकि रात के टाइम कटाई नहीं होती, इस वजह से उन्होंने सोचा कि यहाँ से सुबह स्टार्ट कर लेंगे और काम आगे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आगे साथ साथ लोगों की गंदम है तो वो भी इन्होंने काटनी है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे खड़ी करना मुनासिब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आगे वाला स्टेप जो है, ये जो वेस्ट पड़ी हुई है इसका भूसा बनाना बाकी है, और वो भी मेरे ख्याल में एक या दो दिन में मशीन आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो मशीन भी आएगी तो आप लोगों से शेयर किया जाएगा कि वो कैसे काम करती है, कैसे भूसा बनता है। फिलहाल तो हार्वेस्टिंग की मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, और बच्चे कल से जो है ना जिद कर रहे थे मशीन के ऊपर बैठना है, तो आज तो डेरे पे खड़ी है मशीन और ये इसे देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये नई चीज़ है, बच्चे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।